फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, इसीलिए फ्रेंड लाइव वीडियो मैंने इसकी बना ली है ताकि आप भी सीख सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल जो मॉर्निंग में लाइव वीडियो में मैंने बताया था उसको ये यहाँ पर ब्रेक करने वाला है। इसको ये ब्रेक करता है तो फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, तो फ्रेंड वॉच करिए इसको कि ब्रेक करता है या नहीं करता है। यहाँ पे 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट एट प्रेजेंट मैंने लगाया हुआ है। एट प्रेजेंट इसकी सपोर्ट 33,750 के आसपास बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, और एट प्रेजेंट ये फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस 775, फिर आज के हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है दैट इज 788, तो इसमें फास्ट मूवमेंट आप लाइव यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वॉच करिए इसको, यहाँ पे 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, इसे मैं 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए अपने सपोर्ट के आसपास ही 750 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये अपसाइड में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है। फ्रेंड्स तो इसी तरीके की मूवमेंट पकड़नी है फ्रेंड लाइव मार्केट में आपको भी, ताकि आपका बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बन सके। तो फ्रेंड इसमें जैसे पोजीशन हम मान लो यहाँ पे बना लेते हैं, और इस ट्रेड में हम स्टॉप लॉस इसका लेके चलेंगे 720 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लेके चलेंगे। तो वेट एंड वॉच करते हैं फ्रेंड क्या होता है इस ट्रेड में। साइड में फ्रेंड बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं जो बैंक निफ्टी को यहाँ पे ड्राइव करते हैं, तो इनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे HDFC 50 के आसपास है, 50 के ऊपर होल्ड कर पाएगा तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट ये देगा। कोटक 67 है, 70 के ऊपर गया तो ये भी बढ़िया मूवमेंट देगा। एक्सिस 49 है, तो सारे बढ़िया लेवल पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। SBI 470 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं फ्रेंड यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट के। तो फ्रेंड ये डराने ज़रूर आती है, एक बार जैसे देखिए यहाँ पे लो मार के चला गया 744 रुपये का, ये कैंडल लो मार के चली गई। तो फ्रेंड क्योंकि एग्जिट कराना होता है, जो कमज़ोर ट्रेडर होते हैं पहले उनके स्टॉप लॉस को लेता है ये, और फिर अपसाइड मूवमेंट ये दिखाता है, पहले हल्का हो जाता है और फिर अपसाइड में ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हो चुका है, एक आध मिनट का ही फर्क है फ्रेंड यहाँ पे, देखिए काफ़ी स्पीड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड इसी तरीके की ट्रेडिंग सीखने के लिए किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में पैसे कमा लेता हूँ, आप भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलरली वीडियो वॉच करते रहिए। तो ज़्यादा नहीं फ्रेंड 3-4 महीने में आपको बढ़िया आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि कहाँ पे पोजीशन आपको बनानी है और कहाँ पे एग्जिट आपको लेना है। तो फ्रेंड जैसे इस ट्रेड में हम 750 के आसपास आ गए, तो इस ट्रेड में रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा 820-850 के आसपास, तो उस लेवल पे हमें ऑब्जर्व करना है कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है। तो फ्रेंड वेट करेंगे इस ट्रेड में किस तरीके से बिहेवियर करते हैं।
फ्रेंड्स दो फर्दर ट्रेड ली थी मैंने, वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक ली थी मैंने 800 की कॉल, जिसमें 117 रुपए का लॉस एग्जिट ले लिया मैंने, और छोटा सा 468 का यहाँ पे प्रॉफिट मेरे को हुआ है। तो ओवरऑल 3500 प्लस मेरा प्रॉफिट है आज के दिन फ्रेंड। और ट्रेड मैं नहीं करूँगा क्योंकि डिसाइड किया है फ्रेंड 3 से 4 ट्रेड ही एक दिन में करेंगे, क्योंकि फिर ट्रेडिंग में घुसने के बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाती है फ्रेंड, ट्रेड पे ट्रेड फिर लेते चले जाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए कोशिश करेंगे फ्रेंड आज से मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड दिन में लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, जबकि ब्रेकआउट के ये काफ़ी नज़दीक था। अगर वन डे के अंदर सी पैटर्न चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे फ्रेंड क्लियरली आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के ये ऊपर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 95% चांसेस हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा ही देगा फ्रेंड्स। तो वॉच करिए फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, जबकि 750 के लेवल को इसे यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो फ्रेंड इस तरीके का पैटर्न अगर बनता है तो इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूसली हायर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पर ये बार बार अटेम्प्ट करता है जाके उसको ब्रेक करने के लिए। तो फ्रेंड इसे चेंज कर देते हैं 15 मिनट पे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए क्या होता है, क्या ब्रेकआउट देता है या फेल हो जाता है इसमें भी। इसमें पॉजिटिव थिंग अभी फ्रेंड दिखाई जो दे रही है 750 के लेवल को इसे होल्ड किया हुआ है।
इस तरीके से फ्रेंड जब बाई करने के बाद ये लेके बैठ जाता है बैंक निफ्टी, तब बिल्कुल ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स। ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड 760 के ऊपर आ गया है, ये पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ये दे सकता है फ्रेंड। एट प्रेजेंट जिस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो चुका है अब इसमें, और काफ़ी फास्ट मूवमेंट फ्रेंड हमें देखने को मिलनी चाहिए अपसाइड में। तो फ्रेंड ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है इसे, ऐसा लगता है 768 पर। तो जैसा कि मैंने बताया था 95% चांसेस है इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के लिए, बस टाइम बिता के ये जो कमज़ोर ट्रेडर हैं उनको निकालने के चक्कर में था वहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट फ्रेंड हो चुका है इसमें, हम अगर बोले तो ब्रेकआउट इसमें हो चुका है फ्रेंड्स। फाइव मिनट पे देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको। सेवन सेवेंटी टू 775 जैसे ही ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, फास्ट मूवमेंट एक आनी चाहिए इसमें। फ्रेंड जैसे कि डिस्कस किया था, देख सकते हैं फास्ट मूवमेंट इसने यहाँ पे ले ली है। जैसा कि हमने ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल रही फ्रेंड्स, 750 पे हमने इसमें बाइंग करी थी। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड, और ताकि आप सीख सकें इसमें कि किस लेवल पे बाइंग करनी है, किस पे सेलिंग करनी है। तो 794 इसे हाई को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे टारगेट हमारा होना चाहिए 820 पे फ्रेंड, बड़ा टारगेट नहीं है पर 820 पे एक रेजिस्टेंस इसमें है। अगर 820 को ये क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली तो इसकी मूवमेंट फ्रेंड 950 के लेवल तक होनी चाहिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड ज़रूरी नहीं है, बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, सेम स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है स्टॉक्स में। अगर ट्रेड करते हैं तो आप चार्ट लगा लीजिए, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बढ़िया है, और चार्ट को देखते रहिए और उस हिसाब से बाई और सेल की पोजीशन बनाइए, और कहाँ पे एंट्री लेनी है कहाँ पे एग्जिट लेना है ये डिसाइड करिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ब्रेकआउट हमने इसमें लाइव देख लिया, अब ज़्यादा होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड आगे का पैटर्न आप देख लीजिए बाद में इसमें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स इसी भी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड यहाँ पर नेगेटिव कैंडल ज़रूर दिखा रहा है पर चांसेस अभी भी पूरे पूरे हैं इसमें 820 तक जाने के। 820 के को होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली 950 तक ये आज के दिन में जा सकता है। तो बाद में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मूवमेंट किस प्रकार की इसमें
रही है।